हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट कमीशन एग्ज़ाम, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले आपका चैप्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। क्वेश्चन 1, द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ये फेडरल सिस्टम इंडिया का इंस्पायर्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा से इंस्पायर्ड है, ठीक है। कनाडा से ये फेडरल सिस्टम लिया गया, वेयर जहाँ की सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। स्टेट से ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल। क्वेश्चन 2, द आइडिया ऑफ द प्रिम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो प्रिम्बल का आइडिया कौन से कंट्री से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, ए इटली, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए से प्रिम्बल का आइडिया लिया गया है, जहाँ की जो लैंग्वेज ऑफ प्रिम्बल है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। याद रखिए, प्रिम्बल का आइडिया आपका यूएसए से लिया गया है, और प्रिम्बल का जो लैंग्वेज है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन 3, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच कंट्री। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेडिशन है वो कौन से देश से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका से ही शुरू हुआ है, ठीक है। और सबसे पहला या सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? तो ये इसका भी आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका जो है उसको कंसिडर किया जाता है द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी इफेक्ट। ये आपका 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट आया था और इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1789 में, ठीक है। 1787 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन और इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1789 में। क्वेश्चन 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रशिया से, ठीक है। रशिया, इसका पुराना नाम सोवियत यूनियन था, USSR, ये इसका पुराना नाम था रशिया का। तो रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और ये आपका कब ऐड किया गया है? तो इंडिया में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया है। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी, इसका आर्टिकल है आपका 51A, ठीक है। और ये आपका रिकमेंडेशन कौन से कमेटी से दिया गया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, याद देखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, क्लियर है। क्वेश्चन 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कौन से देश से लिया गया है? तो इसका भी आंसर होगा यूएसएसआर, यूएसए, ठीक है। ऑप्शन बी, यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का एक ऐसा पावर है जो कि कोर्ट अपना जो है एक्शन ले सकता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है, और या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको चेक करता है, उसके काम को चेक करता है। क्वेश्चन 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है, तो कौन से देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 में है, और फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 से 35 तक। पहले जानते हैं टोटल, पहले स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 7 फंडामेंटल राइट्स से, अभी करंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, ठीक है। तो 6 कौन कौन से हैं? पहला, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट, राइट
टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये छह टोटल फंडामेंटल राइट्स थे। क्वेश्चन 7, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे सुप्रीम कौन है, सबसे हाईएस्ट कौन है? तो ऑप्शन देखिए, ए पार्लियामेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी रिलीजन। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में, कोई भी देश में सबसे बड़ा कौन होता? संविधान। तो ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम। तो देखिए, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहाँ से लिया गया था, डिराइव किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया गया था, 1867 एक्ट, 1867। ठीक है, डिराइव किया गया था आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से। और ये आपका जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 कहा जाता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब ऑप्शंस में से कौन सा कंट्री है जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, मतलब लिखा हुआ नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, यूएसए, ब्रिटेन, इंडिया और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अलावा कौन कौन सा देश है? तो एक है न्यूजीलैंड, जिसके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद इजराइल। ठीक है, तो ये सब देश है जिसके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इससे पहले आपको बता चुके हैं, वर्ल्ड का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का था? तो अमेरिका, यूएसए। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द अमेरिका। ठीक है, तो इसमें से चार कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, दोनों देशों में कॉमन है। तो पहला देखते हैं, ऑप्शन ए, ए सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, ये इंडिया में होता है लेकिन यूएसए में नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉमन नहीं है। थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉमन नहीं है। ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, ये भी कॉमन नहीं है। फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन है फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसएसआर। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया था। ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया था। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4, आर्टिकल इसका क्या है, 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 आपका डायरेक्टिव स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट ऑफ इंडिया हैज। तो अब देखिए, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या अंतर है? ठीक है, शॉर्ट में समझिए, क्या दोनों के बीच के, दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोनों कैसे अलग है? तो देखिए, पहला, बोथ हैज ए रियल एंड अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये सही है। सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सही है, दोनों में है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये भी दोनों में है। ऑप्शन डी, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये कॉमन नहीं है। ठीक है, ये इंडिया में है
बट ब्रिटेन में नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यही जो है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों में अंतर है, इंडिया में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म। तो देखिए ये गलत है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए होगा द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटी बोथ, ये गलत है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटेड बाय द पीपल, देखिए बाय इलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट एक्सपीरियंस एंड द सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ द इंडियन वेयर इन्फ्लुएंस बाय द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि आपका राज्यसभा है, ठीक है, तो इसमें जो टैलेंट एक्सपीरियंस और सर्विस का कंपोजिशन है वो कौन से देश से प्रभावित होकर लिया गया है, तो ये आपका होगा ऑप्शन ए, आयरिश रिपब्लिक, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा इज बाय द रिप्रेजेंटेशन टू द टैलेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड द सर्विस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश रिपब्लिक, आयरिश रिपब्लिक से ये इन्फ्लुएंस होकर ये आपका लिया गया था। क्वेश्चन 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से, कौन से देश से लिया गया था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब पहले जानते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता, तो जानते हैं तीन टाइप्स का लिस्ट होता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, तीन टाइप के लिस्ट होगा, यूनियन लिस्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में आपका स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगा, और कॉन्करेंट में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस पर लॉ बना सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जानिए कि स्टार्ट ओरिजिनल आपका कॉन्करेंट लिस्ट टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे, तो 47 आइटम थे, और अभी करंट में क्या है, ये 5 बढ़ गया है और ये अभी 52 आइटम्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16, वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म्ड, तो पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ बना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन 17, द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर द एक्ट आर्टिकल 368, तो आर्टिकल 368 के अंदर कौन सा आपका अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, तो आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि बेसिक फीचर आपका अमेंडमेंट नहीं हो सकता, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन चारों में कौन सा है, ऑप्शन डी, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपका अमेंड नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिटरमाइन करता है द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। क्वेश्चन 18, हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इंडियन फेडरलिज्म को किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जी एस्टिन, जी एस्टिन का पूरा नाम था ग्रैनवेली एस्टिन, ये आपका अमेरिका के था, ही वाज द अमेरिकन हिस्टोरियन ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये अमेरिकन थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 19, व्हाट इज द गांधी डिफिनेशन ऑफ रामराज, तो गांधी जी का रामराज के बारे में क्या डिफिनेशन था, ऑप्शन देखिए, द रूल एज इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामा, द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर मॉरल ऑथोरिटी, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल, द एब्सोल्यूट पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हैंड ऑफ द किंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर मॉरल ऑथोरिटी। ठीक है, क्वेश्चन 20, द मोस्ट
essential features of the parliamentary form of the government is the तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फीचर या एसेंशियल फीचर कौन सा है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि अगर जुडिशरी क्या करता है, आप जानते हैं कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को के कामों को देखता है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो, आज़ाद नहीं होगा, तो फिर वो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही चलेगा फिर। ठीक है, जो कि आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर्स है, आपका इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्लियर है? अगला ये क्वेश्चन 21, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है? तो ऑप्शन देखिए, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, सी बैलेंस ऑफ पावर एंड ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो पावर है उसको सेपरेट करता है। ठीक है, क्लियर है? यही आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है। क्वेश्चन 22, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल By the people, for the people are made by। तो किसने डिक्लेयर किया था कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। क्लियर है? क्वेश्चन 23, वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया था? तो इसका आंसर होगा USA इन 1787। ठीक है, और इम्प्लीमेंट हुआ था 89 में। इम्प्लीमेंट जब इफेक्ट में आया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका 1789 में आया था, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन 24, द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इंग्लिश क्राउन किसका एग्जांपल है? तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन सी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है आपका क्राउन, जो क्वीन है क्वीन एलिजाबेथ। और जो रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो कौन होगा? वो आपका होगा प्राइम मिनिस्टर, PM। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो कौन से आपका रिलेटेड है? तो वाइट पेपर, आपने सुना होगा वाइट पेपर। ठीक है, ये इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसी को कहते हैं वाइट पेपर। वाइट पेपर आर अ वे दैट द गवर्नमेंट कैन प्रेजेंट पॉलिसी प्रेफरेंस बिफोर इट्स इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन। ठीक है, ये पॉलिसी और ये सब डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है वाइट पेपर। ठीक है, तो ये था आपका 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका सेकंड वीडियो है, इससे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिलेटेड वीडियो आ चुका है लक्ष्मीकांत चैप्टर का, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, अगला हम लोग प्रिम्बल और या यूनियन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ले आएंगे। सो आई होप आप लोग को यह अच्छे समझ में आ गया होगा और आप इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ।